दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही आईएमपी होने वाली है। अगर आप एक न्यू यूट्यूबर हैं या फिर आप यूट्यूब पे आने की सोच रहे हैं तो आज की ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही आईएमपी होने वाली है। क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी 5 गलतियां बताऊंगा आपकी जिसके कारण आपका चैनल ग्रो नहीं होता है। क्योंकि आप आते से ही ये 5 गलतियां हर एक न्यू यूट्यूबर करता है। अधिकतर मैंने देखे हैं कि हर एक न्यू यूट्यूबर जब भी यूट्यूब पे आता है तो ये जो 5 गलतियां मैं आज आपको बताने वाला हूं हर एक यूट्यूबर करता है। ये 5 गलती क्या है जिसके कारण से आपका जो चैनल है वो ग्रो नहीं हो पाता है और फिर आप बोलते हो कि सर हमें चैनल से ग्रोथ नहीं मिल रही है। तो ये 5 गलतियां क्या है, अगर आप कर रहे हैं तो आप सबसे पहले ये 5 ही गलतियों को सुधारो, फिर आपका चैनल देखना कैसे बूस्ट होता है। तो सबसे पहले आपकी गलतियां क्या रहती है दोस्तों, जब भी आप न्यू यूट्यूबर जब भी यूट्यूब पे आता है तो उसको कैमरे के सामने बोलने की एक्सपीरियंस नहीं रहता है। अब सबसे मेन चीज तो है बोलना, तो एक बात की बात है वो हमारा एक्सपीरियंस हो जाता है बोलते बोलते। लेकिन दोस्तों जब भी आप कैमरे के सामने बोलते हो ना तो आपका जो आई कांटेक्ट है, जैसे कि आज आप मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हो कैमरे के सामने, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि मैं आपकी आंखों से आंखें मिलाकर बात कर रहा हूँ। ये कैसे हो रहा है दोस्तों? कई सारे लोग क्या कहते हैं कि वो जो कैमरा है ना उसमें देखकर बात नहीं करते, वो क्या कहते हैं स्क्रीन पे देखते हैं। जैसे कि अब मैं स्क्रीन पे देख रहा हूँ, आपको लग रहा है कि मैं आपसे मतलब आई कांटेक्ट मिला पा रहा हूँ, नहीं लग रहा है ना? लेकिन अब मैं देखो मेरे मोबाइल का जो कैमरा है ना इस पे देखकर बात कर रहा हूँ, तो आपको ऐसा लग रहा है आपके आई कॉन्टेक्ट मतलब आपके आई से मतलब आपकी आंखों से आंखें मिलाकर मैं बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये आपकी पहली गलती है। जब भी आप यूट्यूब पे आते हो, जब भी आप वीडियो शूट करते हो, तो आपको सबसे पहले ध्यान ये देना है आपका मोबाइल का जो कैमरा है या फिर आपका जो कैमरा है उस पे देखकर आपको बात करना है, ना कि आपको स्क्रीन पर देखकर बात करना है। ठीक है, आपको कैमरे में देखकर बात करना है। ये हर एक न्यू यूट्यूबर कहता है जब भी यूट्यूब पे आता है, आपने भी की है, आप ध्यान दीजिए। ठीक है, ये हो गई आपकी पहली गलती। अब बात करते हैं आपकी दूसरी गलती की। तो दोस्तों आप दूसरी गलती क्या करते हो, जब भी आप YouTube पे आते हो और आपके सब्सक्राइब नहीं बढ़ते हैं तो आप क्या करने लगते हो, सब फॉर सब करने लगते हो कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं आपके चैनल को सब्सक्राइब करूंगा। या फिर आप अपने दोस्तों या फैमिली मेंबर के मोबाइल लेते हो, वहां पे अपना चैनल सर्च करते हो और अपने आप को सब्सक्राइब करवा लेते हो। तो दोस्तों ये आप बहुत बड़ी गलती करते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों जब भी आप अपने आप से किसी भी मतलब किसी के फोन से अपने आप को सब्सक्राइब करोगे तो दोस्तों वो आपने सब्सक्राइब किया ना कि उस बंदे ने, क्योंकि उस बंदे को आपकी वीडियो देखना पसंद ही नहीं है। आपका दोस्त है तो वो एक दिन देखेगा, दो दिन देखेगा, लेकिन तीसरे दिन वो आपकी वीडियो नहीं देखेगा। और सब फॉर सब जो करेगा ना वो भी अपने सब्सक्राइब बढ़ाने के लिए सब फॉर सब करता है, ना कि आपकी वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों इससे क्या होता है, जब हम किसी के चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं और वो हमारी वीडियो को क्लिक करता है और पूरा नहीं देखता है, क्लिक करके छोड़ देता है, इससे हमारा ऑडियंस रिटेंशन रहता है तो हमारी वीडियो पे व्यूज नहीं आते हैं क्योंकि यूट्यूब उसका इंप्रेशन नहीं पहुंचाता है। अगर कोई बंदा हमारी वीडियो आधे से ज्यादा देखता है जब यूट्यूब इंप्रेशन बढ़ाता है, जब हमारी वीडियो पे अच्छा खासा ट्रैफिक आता है, तो यहाँ पे हमारी ये गलती हो जाती है कि हम सफर सब करने लगते हैं या फिर किसी और के मोबाइल से अपने आप को सब्सक्राइब करवा लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे भी आपको ये ध्यान देना है कि आपको जो चैनल है वो अपने दम पे ही स्टार्ट करना है, किसी से भी आपको सब्सक्राइब नहीं करवाना है। आप सिर्फ वीडियो डालते रहो, अपने आप आपके सब्सक्राइब बढ़ेंगे, भले ही एक महीने नहीं, दो महीने नहीं बढ़ेंगे, लेकिन जब बढ़ने लगेंगे ना तो पड़ेंगे 100, 200, 500, 1000 ऐसे सब्सक्राइबर आपके बढ़ने लगेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हो गई आपकी ये दूसरी मिस्टेक। अब बात करते हैं आपकी तीसरी गलती की। तो दोस्तों अक्सर न्यू यूट्यूबर तीसरी गलती क्या कहता है दोस्तों, जब भी वो यूट्यूब पे आता है तो उसको यूट्यूब का अच्छा नॉलेज तो रहता नहीं, वीडियो बनाने भी नहीं आता है, अच्छे से बोलते भी नहीं बनता है, तो वो क्या कहता है, एक हफ्ते में दो हफ्ते में एक वीडियो अपलोड करता है या फिर एक एक दो दो दिन छोड़ के वीडियो अपलोड करता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अगर आप एक न्यू यूट्यूबर है और यूट्यूब पे आते हो तो आपको पर डे एक वीडियो डालना ही चाहिए। क्यों दोस्तों? जब भी आप न्यू चैनल स्टार्ट करते हो और आप पर डे रेगुलर एक वीडियो अपलोड करता है ना तो यूट्यूब को लगता है ये बंदा मेहनत कर रहा है, तो वो क्या कहता है, आपकी जो चैनल की ग्रोथ है ना वो बढ़ा देता है, बूस्ट कर देता है। तो आपको ये अधिकतर ये ध्यान रखना है कि आपको पर डे एक वीडियो अपलोड करना ही है जिससे आपका चैनल अपने आप बूस्ट होने लगेगा। एक महीने दो महीने बाद आप देखोगे आपका जो चैनल जीरो से स्टार्ट हुआ था ना वहां से अपने आप ग्रोथ मिलती जाएगी, आपकी ग्रोथ गिरेगी नहीं। अगर आप पर डे आप वीडियो डालोगे तो आपकी ग्रोथ बढ़ती ही जाएगी, देखना आपके पर डे व्यूज बढ़ के ही आएंगे, घट के नहीं आएंगे। तो ये हो गई आपकी तीसरी गलती। अब बात करते हैं आपकी चौथी गलती की। तो दोस्तों चौथी गलती क्या है आपकी, दोस्तों आप जब भी चैनल स्टार्ट करते हो तो आपको आपके जो सब्सक्राइबर है उसे हाइड कर लेना है, ताकि आपके सामने वाले जो बंदे हैं, जो भी आपके व्यूवर हैं, वो आपकी वीडियो देखे उनको पता नहीं रहना चाहिए कि आपके कितने सब्सक्राइबर हैं। क्योंकि दोस्तों अगर आपके कम सब्सक्राइबर रहेंगे तो सामने वाला बंदा आपकी वीडियो नहीं देखेगा कि भाई इसकी वीडियो क्यों देखें, क्योंकि इसके तो कम सब्सक्राइबर है ही नहीं, 1, 2, 5, क्योंकि हम हाइड नहीं करते हैं, तो वो देखते हैं कितने सब्सक्राइबर हैं। जब तक दोस्तों आपके 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं हो जाते हैं तब तक तो आपको आपके जो सब्सक्राइबर है उसे हाइड ही करके रखना है। ठीक है, ये हो गई आपकी चौथी गलती। अब बात करते हैं आपकी पांचवी गलती। तो दोस्तों ये जो पांचवी गलती है ना जो हर एक न्यू यूट्यूबर करता है जब भी यूट्यूब पे आता, तो ये पांचवी गलती क्या है आपको पता है दोस्तों? ये पांचवी गलती है कि आप क्या कहते हो, जब भी चैनल स्टार्ट करते हो और आपका चैनल ग्रो नहीं होता है तो आप यूट्यूब चैनल छोड़ देते हो।
सप्ताह भर में ही छोड़ देते हो, 8 दिन 10 दिन में ही YouTube चैनल छोड़ देते हो, या फिर महीना भर काम करते हो और फिर YouTube चैनल छोड़ देते हो। तो दोस्तों ये आपकी पांचवी गलती है जो कि सबसे बड़ी गलती है। दोस्तों YouTube पर 5-5 साल लग जाते हैं ग्रो होने में, इसमें तो आप सिर्फ कुछ ही महीने में YouTube छोड़ देते हो। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अगर आपका चैनल ग्रो नहीं हो रहा है तब भी आपको पर डे वीडियो डालना है, आप ऐसा कुछ दिन तो करो, कम से कम 6 महीने करके देखो, देखना इसमें आपकी कोई ना कोई वीडियो चल जाएगी। अगर कोई ना कोई वीडियो आपकी चल गई ना, आपका चैनल अपने आप बन जाएगा। लेकिन आपको 6 महीने तक तो पर डे वीडियो अपलोड करना ही है, जिससे आपका चैनल अपने आप बूस्ट हो जाएगा। आपको यूट्यूब चैनल छोड़ना नहीं है, बिल्कुल नहीं छोड़ना, भले 6 महीने बाद आप 2 दिन में 4 दिन में एक वीडियो डालो, लेकिन पर डे वीडियो डालो, 2 दिन बाद डालो या 4 दिन बाद डालो। ऐसा नहीं कि 1 महीने का गैप ले दिया और फिर हमने वीडियो डाल दी। दोस्तों अगर आप एक एक महीने दो दो महीने छोड़ के वीडियो डालोगे ना, तो आपका जो चैनल 6 महीने में ग्रो किया था ना, वो एक ही महीने में वो डाउन हो जाएगा, फुल डाउन हो जाएगा। 6 महीने की मेहनत 1 महीने में डाउन हो जाएगी। इसलिए आपको कभी भी आपका चैनल नहीं छोड़ना है, आपको सिर्फ यूट्यूब को 1 घंटे देना है। जब आप वीडियो बनाने लगोगे ना, तो आपको टोटल सिर्फ 1 घंटे लगेंगे सब चीज़ के लिए, वीडियो एडिटिंग के लिए, शूट करने के लिए, उसका थंबनेल टाइटल सब बनाने के लिए, अपलोड करने तक का आपको सिर्फ 1 ही घंटा लगेगा, ठीक है। तो आपको YouTube चैनल नहीं छोड़ना है, पर डे YouTube को 1 घंटा देना है। तो दोस्तों ये जो 5 गलती है ना, जो हर एक न्यू यूट्यूबर अपने YouTube चैनल पे कहता है, आई होप दोस्तों आप भी ये गलती करते होंगे, इसलिए आपका जो चैनल है वो ग्रो नहीं हो रहा है। तो दोस्तों आपको ये 5 गलती आपको सुधारना है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑल कर लेना, ताकि आपके यूट्यूब चैनल को ग्रो कराने के लिए जो भी जरूरी वीडियो है वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी।